अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो गया है, लेकिन उस बाबरी मस्जिद का क्या हुआ जिसे विवादित जमीन से 25 किलोमीटर दूर बनाना था। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि वो बाबरी मस्जिद कब और कहां बनेगी। दरअसल साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने विवादित जमीन को हिंदू पक्ष को सौंप दिया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अयोध्या के धन्नीपुर गाँव में मुस्लिम पक्ष को 5 एकड़ जमीन मस्जिद निर्माण के लिए दी गई थी। मस्जिद निर्माण के लिए एक ट्रस्ट IICF बनाया गया है जो मस्जिद निर्माण की जिम्मेदारी संभालेगा। 11 एकड़ जमीन के साथ मस्जिद का भव्य निर्माण किया जाएगा। मस्जिद में एक साथ 9000 लोग नमाज अदा कर सकेंगे, जिसमें 5000 पुरुष और 4000 महिलाएं शामिल हैं। महिला और पुरुषों के लिए अलग अलग वजू खाना भी बनाया जाएगा। मस्जिद परिसर में चिकित्सा, शैक्षिक और सामाजिक सुविधाएं भी होंगी। यहाँ 500 बेड वाला कैंसर अस्पताल, स्कूल और कॉलेज, पुस्तकालय भी होगा। मस्जिद में दुनिया की सबसे बड़ी कुरान भी रखी जाएगी। इसकी 21 फीट ऊंचाई और 36 फीट चौड़ाई होगी, जिसका रंग भगवा होगा। मस्जिद की ईंटें भी खास होंगी, जिसमें कुरान की आयतें लिखी होंगी। मस्जिद का नाम आखिरी पैगंबर मोहम्मद के नाम पर रखा गया है। मस्जिद का पूरा नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला होगा। बता दें कि पहले मस्जिद परिसर का काम कुछ मतभेदों की वजह से विलंबित हो गया था। अब जल्दी अयोध्या के धन्नीपुर गाँव के पास मस्जिद का निर्माण शुरू होने वाला है। ये मस्जिद राम मंदिर से करीब 26 किलोमीटर की दूरी पर बनने जा रही है। अगले 3-4 साल में मस्जिद निर्माण का काम पूरा हो जाएगा।